आज मैं आपको सिखाऊंगी दो मज़ेदार टी टाइम की रेसिपीज़। पहली रेसिपी मैं बनाऊंगी बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेट कपकेक की, जिन्हें मैं बनाना सिखाऊंगी आपको ब्लेंडर में। और दूसरी रेसिपी मैं बनाऊंगी किशमिश के रोल, जो कि जायके के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और ब्रेकफास्ट में चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये दोनों रेसिपीज़ अगर से आप एक दफ़ा ट्राई करेंगी तो आपके घर में बार बार बनेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जायकेदार होती हैं और बहुत मज़े की होती हैं। आइए अब दोनों रेसिपीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। तो पहली बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट मज़ेदार कपकेक बनाने के लिए हमें चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दूध 3/4 कप। इसके अंदर हम डाल देंगे दानेदार चीनी 1 कप, के बाद डाल देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और दाल की इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि चीनी का दाना कंप्लीट ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दिखा के डाल रही हूँ बाकी की चीज़ें। तो इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल 1 कप, कोको पाउडर 2 टेबल स्पून, एक चुटकी नमक और एक अंडा। डाल के इन सब चीज़ों को दोबारा से हम ब्लेंड करेंगे 1 मिनट के लिए। अब देखें सब चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए लाजमी छन्नी, इससे हम छान के मैदा को डालेंगे। तो मैदा मैंने यहाँ यूज़ किया है 1 कप और 3/4 कप। 3/4 कप का मतलब होता है 1 कप के 4 हिस्से करें, 3 हिस्से ले लें और 1 हिस्सा छोड़ दें। इसके साथ ही हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून। यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रही हूँ। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, मेरे चैनल में डिफरेंस देख लीजिएगा इन दोनों का। दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैदे को हम 2-3 दफ़ा में छान के डालेंगे। और यहाँ पर हम हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे, लेकिन बीट नहीं करेंगे बैटर को, इससे बैटर ख़राब हो जाता है। अब देखिए ऐसा ऐसा मैंने मैदा मिला दिया है। और अब चलते हैं बेक करने की तरफ। तो अब मैं आपको चॉकलेट कपकेक को सबसे पहले ओवन में बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रे भगोने के अंदर आएगी नहीं, इसलिए मैंने भगोने के लिए एक्स्ट्रा सीन बनाया है, वो देख लीजिएगा अभी जब ओवन का सीन ख़त्म होगा तब। तो हम सबसे पहले ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इसमें बैटर डाल देंगे चॉकलेट कपकेक का, और उसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चॉकलेट चिप भी डाल सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये सारे मैंने डाल लिए हैं और अब चलते हैं ओवन बेक करने की तरफ। अब मैं आपको ओवन की टाइमिंग बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम ओवन को प्री हीट करेंगे 180 सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद चॉकलेट कपकेक को 170 सेल्सियस पे हम बेक करेंगे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट में ये कपकेक ओवन में बिल्कुल बेक हो जाएंगे। देखिए बेक करके मैं लेकर आ गई हूँ।
देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके बनेंगे अगर से आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगी। और अब चलते हैं विदाउट ओवन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने विदाउट ओवन का यानी भगोने का एक्स्ट्रा सीन बनाया है आप लोगों को सिखाने के लिए। तो इसके अंदर भी हम जो है सेपरेट मोल्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ एल्युमिनियम की इस तरीके की प्यालियाँ मिलती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, और सिलिकॉन के इस तरीके के मोल्ड मिलते हैं। इन सब चीज़ों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें बैटर डाल देंगे। और अब चलते हैं बेक करने की तरफ विदाउट ओवन। तो इसके लिए हमें चाहिए मोटा और बड़ा भगोना। इसके बाद हम ढक्कन को उल्टा करके रखेंगे। तो ढक्कन जो है वो लाजमी बड़ा देख के लीजिएगा ताकि उसके ऊपर कपकेक सारे आ जाए। तो मैंने चारों रख दिए हैं और अब इसके बाद हम कवर कर देंगे स्टील के ढक्कन से और डाल देंगे इसके ऊपर कपड़ा ताकि अंदर की गर्म एयर बाहर ना निकले। और अब मैं आपको इसकी टाइमिंग बता देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप मीडियम फ्लेम रखेंगे 1 मिनट के लिए, यानी दरमियानी आग रखेंगे 1 मिनट के लिए, और उसके बाद आग को हल्का कर देंगे 15 मिनट के लिए। किसी किस्म का कोई प्रीहीट नहीं करेंगे। तो 15 मिनट के अंदर ही चॉकलेट कपकेक बिल्कुल रेडी हो जाएंगे भगोने में। अब देखिए ये रेडी हो गए हैं, स्टिक से चेक कर लेते हैं। देखिए बैटर नहीं आया है, ये कपकेक हमारे बिल्कुल कंप्लीट बेक हो गए हैं। इन्हें निकाल लेते हैं भगोने से और ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। और अभी इन्हें हम कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारे कपकेक बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखें कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़े के होते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है ब्लेंडर में। तो ये थे हमारे बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार कपकेक। और अब चलते हैं रोल बनाने की रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप किशमिश। इन्हें हम अच्छी तरीके से धोकर टिश्यू पे या कपड़े पे डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, पानी ना रहे ज़रा सा भी। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, बिल्कुल हल्का गर्म, ना तेज़ गर्म ना ठंडा, बिल्कुल हल्का सा। और उसके अंदर डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून चीनी। और उसके बाद डाल देंगे हम इसमें ईस्ट 1 टेबल स्पून और मैदा 1 टेबल स्पून। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 3 अंडे की जर्दियाँ। सिर्फ अंडे की जर्दियाँ डालेंगी, सफ़ेदी नहीं डलेगी। तीनों डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए ताकि खमीर बनना स्टार्ट हो जाए। यही स्टेप पहले करिएगा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो इसके लिए हमें चाहिए 3.5 कप मैदा, 1/4 कप मैदा डाल दिया। और इसे अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून नमक प्लेन बिल्कुल, और पिसी हुई चीनी 4 टेबल स्पून। उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर मक्खन 1/2 कप और डाल के हम इसे अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स करेंगे। मक्खन इसमें बहुत अच्छा लगता है तो कोशिश करिएगा मक्खन डालिए इसमें। लेकिन अगर मक्खन नहीं है तो आप इसके अंदर तेल और घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स करेंगे ताकि फुल मिक्स हो जाए। ये ब्रेड क्रम्स हो गए हैं, इसके बाद हम डाल देते हैं खमीर को जो हमने बैटर बनाया था स्टार्टिंग में। आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा, एक साथ पूरा नहीं डालिएगा, और इसे मिक्स कर लेंगे।
जैसे घर का आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से गूंदेंगे। और मेजरमेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं करिएगा, जो मैंने बताई है बिल्कुल उसे वैसे ही रखिएगा। और उसके बाद हम किसी भी सरफेस पे मैदा डाल के इसे गूंदेंगे। देखिए आटे को अच्छी तरीके से गूंदना बहुत ज़रूरी है, जितने अच्छे आप गूंदेंगे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे ये। इसे ज़्यादा गूंदिएगा इसे। और इसके बाद देखिए इस तरीके का ये होगा, इतना नरम होगा ये। और इसके बाद हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, दो रोल बनाएंगे हम इसके। जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरीके से बेलेंगे, लेकिन थोड़ी सी मोटी। बेलने के बाद इसमें हम लगा देंगे 2 टेबल स्पून मक्खन। घी और तेल भी यूज़ कर सकती हैं आप। अच्छी तरीके से लगा देंगे इस पे। और इसके बाद हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चीनी। चीनी लाजमी यहाँ दानेदार लीजिएगा, पिसी हुई नहीं लीजिएगा, दानेदार ही अच्छी लगती है यहाँ पर। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे किशमिशें जो हमने स्टार्टिंग में कोशा कर ली थी, तो हाफ डालेंगे इसमें और हाफ डालेंगे दूसरे में। डाल देते हैं और इसके बाद अच्छी तरीके से मैदा डालेंगे। उसके बाद रोल करेंगे। ये रोल बना लिया है हमने। जिस चीज में भी रखेंगे या ट्रे में रखेंगे उसे आप ग्रीस कर लें तेल, घी या मक्खन से। और उसके बाद इसे छुरी से इस तरीके से रोलों को काट लें। हाथ से इस तरीके से प्रेस करके जो कोना है उसे नीचे कर दे, ताकि जब ये फूले तो इनका शेप खराब ना हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से कर ले, मोटा धागा ले ले, जो भी आसान लगे वैसे कर ले, इससे शेप खराब नहीं होता। ज़्यादा आसान है ये करना, ऐसे कर लें और किनारे को नीचे करके रख लें। हमने सारे रख लिए हैं। और इसके बाद एक पूरा अंडा लिया है मैंने, आप पूरे इस तरीके से बीट करके, और इसके ऊपर लगा ले। फुल लगा लिया मैंने सब पर। और इसके बाद हम इसे छोड़ देंगे डबल होने के लिए साइज में। गर्मियों में ये प्रोसीजर जल्दी हो जाते हैं, डबल जल्दी हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर थोड़ा टाइम लेंगे, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा इन्हें। तो ये जब भी डबल हो उसके बाद हम इन्हें बेक करेंगे। सबसे पहले मैं विदाउट ओवन सिखाऊंगी आपको। तो इसके लिए हमें चाहिए मोटा और बड़ा भगोना, और इसके अंदर हम कोई भी ढक्कन उल्टा करके रख देंगे और उस पर रख देंगे ट्रे रोलों की, और उस पर हम स्टील का ढक्कन रखेंगे।
और इसके बाद हम इस कोई भी मोटा कपड़ा ताकि अंदर की गर्म एयर बाहर ना निकले। और इसके बाद मैं इसकी आपको आग बता देती हूँ। तो कितनी रखेंगे, तो इसके लिए आप सबसे पहले 1 मिनट मीडियम आग रखेंगे, दरमियानी आग रखेंगे ताकि भगोना और बर्तन वगैरह सब चीज़ें गर्म हो जाएं। और उसके बाद आप जो है हल्की आग कर देंगे, जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ उतनी, 15 मिनट के लिए। बहुत ही जल्दी बेक हो जाते हैं, तो 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। अब ये बेक हो गए, ये देखें कंप्लीट बेक हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं। निकालते हुए एहतियात करिएगा, भगोना या पतीला बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है। निकालने के बाद इसके ऊपर हम जो है वो मक्खन लगा देंगे, तेल और घी भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे ढक देंगे हम ताकि कंप्लीट ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। और अब चलते हैं ओवन की टाइमिंग की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आप ओवन को प्रीहीट करेंगे 180 सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद आप 180 सेल्सियस पे ही बेक करेंगे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगे ओवन में, और अब ये ठंडे हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे बैक साइड से सारे ये गोल्डन हुए हैं। अगर से आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आपके बनेंगे। और देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये। तो ये थी दोनों मज़ेदार टी टाइम की रेसिपीज़, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी कोई कैन ईजी रेसिपीज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।